हम बस एक छोटा सा प्रयास। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अभी सुबह का अप्रोक्स 5 बजने वाला है और मैं आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए, शेयर करने के लिए जस्ट बाहर निकला हूँ। तो आज हम कुछ यहाँ की हकीकत से आप लोगों को रूबरू कराएंगे। जैसे आप सबको तो पता ही है कि दुबई हो, कतर हो, सऊदी हो, यहाँ चमकती हुई दुनिया सबको दिखती है, लेकिन जो कुछ हकीकत भी है यहाँ का जो दिखता नहीं, क्योंकि वो आप लोगों के साथ रील में जो दिखता है वो रियल में होता नहीं है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ रियल क्या है, कैसी यहाँ की ज़िंदगी है सुबह सुबह की। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हकीकत क्या है आखिर। तो हम चलते हैं और कैंपस से बाहर निकल गए हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे जो रियल में हकीकत है ओ है क्या। तो सुबह सुबह कितनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है यहाँ पे, जो शायद ही बाहर निकल के आती है। तो मैं आप रूबरू कराऊंगा और चलिए देखते हैं आगे। अभी ये जितने भी आपको देख रहा है यहाँ का कैंप, मतलब जगह कैंप है जो कंपनियाँ प्रोवाइड कराती है रहने के लिए। सब पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है और इसी में लोग रहते हैं। यहाँ पे छोटा मार्केट भी है इधर। तो कुछ ऐसा हो इधर का कैंप आप देख रहे हैं। और ये तो अभी 5 बजने वाला सुबह का टाइम है, लेकिन ये जो भाग दौड़ जिंदगी है यहाँ पे सुबह पक्ष देखा जाए तो 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पे जो बसें निकल रही है ले लेकर लोगों को यहाँ से, एक कोई टाइम पता नहीं किन लोगों का जाने के, जो अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे उसका टाइम 1 घंटे 2 घंटे तक भी हो सकती है जाने का टाइम। तो सुबह कब उठते हैं और कब सोते हैं तो कहना मुश्किल होता है, क्योंकि जो सुबह 4 बजे उठते हैं उनको 12 घंटे की ड्यूटी है। 12 घंटा ड्यूटी के बाद वो फिर पहुंचते हैं रूम पे, फिर खाना बनाना, उसके बाद फिर सोना और फिर सुबह 3 से 4 बजे तक उठ जाना। क्योंकि क्या होता है कि जितने लोग हैं इन लोगों का जरूरी नहीं है कि ये जो वर्क प्लेस है वो पास में ही हो। यहाँ से बसें जाती हैं इन लोगों को ले लेकर, और बसें ले जाती है तो पता नहीं चलता कि इनका वर्क प्लेस कितने घंटे की दूरी पे है। जब वहाँ पहुँचते हैं तब उन लोगों का ड्यूटी यहाँ स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से हम निकल गए और मेरा वो ड्यूटी यहाँ से स्टार्ट ही हो गया। जैसे जब हम वर्क प्लेस पहुँचेंगे ड्यूटी तभी स्टार्ट होगी। तो यही एक लाइन से बस लगी हुई है और सुबह बस में चढ़ने के लिए भी लाइन लगाना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि अगर पहले नहीं आएंगे बस में जगह नहीं मिली तो जितना ले जाएगा उतना ही लेट होगा। क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपका जो भी मतलब हाजिर होने के जो भी अटेंडेंस रेडी होता है वो आप देख लिए। सुबह भी 5 भी नहीं बजा हुआ है, क्या हाल हो जाता है। कितनी बसें लगी हुई है यहाँ पे, जहाँ तक देखेंगे तार है यहाँ पे बस ही बस आप निकलेगी यहाँ पे। और लोगों का हुजूम देखिए, तो ये है यहाँ की रियल लाइफ जो आप बहुत दिखता ही नहीं। बस सबको लगता है कि बहुत आसान है इधर की लाइफ, आराम से जाने के लिए तो बहुत दुबई कतर सऊदीया बहुत आसान है बोलने के लिए। तो बेशक कुछ हम बताना है दिखाना चाहे कि जितना हम लोग वहाँ बोले तो परेशान दिखते हैं कि नहीं हमको बाहर निकल जाना है, हम वहाँ जाने के बाद पैसा कमा लेंगे, हमको बहुत अच्छी खासी इनकम होने लगेगी, हम जिंदगी सारी जीने लगेंगे। तो इससे इतना भी नहीं है जितना सोचते हैं, क्योंकि आप लोग इधर आने के लिए
एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट के पास जाकर कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई 50, कोई जैसा मतलब काम होता है पैसा लग जाता है। और सैलरी जब आते हैं यहाँ पर तो स्टार्ट क्या होता है, तो सैलरी की बात आती है तो स्टार्टिंग होता है 800 दिरहम, 1000-1200। उसमें तो खाना भी है, अपना खर्च भी है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसमें क्या आपके पास पॉकेट में सेव होगा। और ड्यूटी 12-12 घंटे तक करना है, तो सोचिए अगर 800 जो बात कर रहे हैं, मतलब 20,000 से 25,000 तक सैलरी यहाँ पर स्टार्ट होती है। उसको एजेंट को आप लोग 1,50,000 देकर आते हैं वहाँ से कि नहीं नहीं चलो हमको तो देश निकलना है। इसके बाद यहाँ ना सोने का कुछ टाइम, ना उठने का, 3-3 अलार्म लगाना पड़ता है मोबाइल में सुबह उठने के लिए, क्योंकि एक अलार्म का नींद खुलता नहीं है। वो आपको 12-16 घंटा काम करेगा, सुबह ही कैसे उठ पाएगा, पॉसिबल तो है नहीं उठने का उसका। तो अभी हम इतना दूर जाएंगे ना, बस यहाँ पर बस इतना लगा हुआ है कि कोई ख़त्म होने वाला नहीं है आपको, जितना भी दूर जाएगा आप। और कोई प्लस सुनने का पता नहीं, क्योंकि कुछ कंपनियाँ होती है जो हायर तो अपने नाम से करती है लेकिन वो आदमी सप्लाई करती है अपने पास बुला कर, और अलग अलग जहाँ काम होता है वहाँ बेचती है। वो नहीं कि आप उस कंपनी में गए तो उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो आपको सप्लाई करती है। जहाँ पर आपको सप्लाई करेगी वो प्लेस कितना दूर है कोई कुछ नहीं, 2 घंटा हो सकता है, 3 घंटा हो सकता है, आपको जाना है बस। क्योंकि जहाँ व्यक्ति कंपनियाँ वहाँ पे है जहाँ उन लोगों को सस्ता रेंट मिलता रहने के लिए जगह अवेलेबल हो तो वहीं पर रखती है, लेकिन रखने और उसके बाद वहाँ से आपको सुबह ताज़ा भी सुबह निकल रहे हैं। इनका वर्क स्टार्टिंग 6-7-8 बजे तक स्टार्ट होगा जहाँ पहुँचेंगे वहाँ से। फिर वहाँ जब पहुँचेंगे 6-7-8 बजे तो फिर रात को अगर 6 बजे तक शाम तक मिट्टी हो रहा है, 12 घंटे तक हर हर मिट्टी होना ही है, 12 घंटे से कम तो सवाल ही नहीं होता है। फिर जब वहाँ से 12 घंटे मिट्टी करके निकलेंगे वहाँ से, फिर जब पहुँचेंगे मान लीजिए 6 बजे चले, 8 बजे तक पहुँच रहे हैं यहाँ पे, फिर को जाना खाना पीना, फिर 10 बजे तक सो भी रहे हैं, फिर मतलब सुबह 3-4 बजे उठ ही जाना है। तो आप लोग इस तरह से पता लगा सकते हैं कि कितनी कसमकस और भारी भाग दौड़ की ज़िंदगी है यहाँ पे। तो देखिए जितना आप समझते हैं उतना बिजी यहाँ की लाइफ है नहीं। आपको ये नहीं है कि चलिए कोई प्रॉब्लम है तो ट्रिप नहीं जाएंगे, नहीं गए तो आप सोच सकते हैं, जिसका परिणाम यहाँ बहुत बेकार ही होता है। मतलब कोई तो परमानेंट नौकरी है नहीं कि आप नहीं भी गए और पैसा आपको मिलने वाला, वो सवाल है नहीं यहाँ पे। आपको तो खाजी तो कटेगा, चलते आपको बहुत मुश्किल आ सकती है चल के जॉब में भी, क्योंकि यहाँ पे आपको लिए प्रॉब्लम सुनने का कोई ऑप्शन नहीं है इधर। तो अभी हम कितना भी दूर जाएंगे आपको बस ही बस दिखते हुए नजर आएगी आपको यहाँ पे। यहाँ बस और ड्रेस आपको अलग अलग दिखेगा, लेकिन काम सबका वही जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हम जल्दीबाजी में किसी को 1.5-2 लाख देकर और जा रहे हैं कि चलो, तो सुपर मार्केट उस तरह का यहाँ होता है, सुपर मार्केट है। तो आपको वो लगता है कि नहीं चलो 1.5-2 लाख देकर हम यहाँ पे आ जाए और यहाँ का बस पैसा ही पैसा हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला जगह है। हाँ, हर किसी से ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं टेक्निकल जो डिग्री लिए हैं, जो उस लेवल पे हैं, उन लोगों के लिए कुछ तो राहत होता है, वो अपना जनरल शिफ्ट में जाते हैं 9 से 6 रात। लेकिन सबके लिए कितने टाइप में लोग बस मुश्किल से 5-10% है, लेकिन 90% वाला लाइफ में आकर यही है। चाहते हैं कि दुबई 70% जहाँ भी जाइएगा आपको यही मिलने वाला है, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो आप देखो कितना भी उसमें आ रहे हैं आपको, आपको चलते हुए खत्म होने वाला नहीं है, आपको ना बस खत्म होगा ना कि आदमी का भी खत्म होने वाला है यहाँ पे।
आप लोग बहुत लोग बोलते हैं कि खाना खाएंगे तो उसके यहाँ खाना प्रोटीन में चावल, प्रोटीन में दाल, प्रोटीन में सब्जी सब यहाँ पे मिल जाता है। लेकर लोग चल लेते हैं, जाते हैं वहाँ प्रोटीन में ही गर्म करते हैं, उसमें खाते हैं। सोचिए क्या प्रभाव पड़ता है, जो प्रोटीन गर्म होता होगा फिर क्या होता होगा उसमें, उसी में तो खाना भी है। कोई हम जितना भी जाए ख़त्म होने वाला है नहीं रास्ता, तो अब देख पा रहे हैं कि जब उनको यहाँ जो गवर्नमेंट देना होगा कि ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा रास्ता, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत दूर तक जाने वाली है। सुबह आ गए तो सूर्य जो नाश्ता करते हैं, तो चलते हैं आपको अंदर नाश्ता है, देखते हैं क्या क्या मिलता है आपको, देखते हैं उसमें नाश्ता करते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे। कतर गया हो क्यों रिमिक्स थोड़ा था, ट्रिक ऑर्डर किए यहाँ पे आलू पराठा, गोभी पराठा, मिक्स पराठा का ऑप्शन है, देखे तो वही पराठा का ऑर्डर किए। ठीक है, खाना पैकिंग लोग करा रहे हैं, सुबह लोग कड़ा कड़क ले जा रहे हैं, सुबह दोपहर का लंच अपना ले जा रहे हैं अभी से। अपना पराठा साथ में मक्खन और अभी दही बोले हैं लगे दही लाने के लिए, बीच के साथ आपको चटनी मिल सकता है थोड़ा बहुत या वो नहीं मिल सकता, अगर कुछ नहीं तो पराठा अपने आपको यहाँ का प्राइस में है चार वगैरह, मतलब 80 का है, जो अपने इंडिया के तौर से देखा जाए तो अप्रोक्स 100 रुपये का पड़ेगा एक बार। उसके बाद दही जो है उसका अलग से दही बोले लाने के लिए दही आ रहा है।
फाइनली हो गया नाश्ता अभी, और नाश्ता करने चलते हैं अब अपने आवास पे निकलते हैं। तो आपने हम बस एक छोटा सा प्रयास था दिखाने का कि कैसा है यहाँ, आप मतलब रियल लाइफ क्या है यहाँ का, सुबह उठना भागना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक प्रयास था वो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। और अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे भी और वीडियो के लिए, जो हम यहाँ का वीडियो आप लोग लाते रहेंगे। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।